नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में कोरोना से किसी भी बंदी की मौत नहीं हुई है। यह बात जेल अधीक्षक गोपाल ताम्रकार ने सी संस्कार चैनल के संवाददाता से चर्चा के दौरान कही। जेल अधीक्षक ने बताया कि कारागार के अंदर ही बंदियों के इलाज की पुख्ता व्यवस्था की गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में भी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जेल प्रशासन अलर्ट है। जेल प्रशासन ने निरुद्ध बंदियों के लिए कारागार के अंदर ही कोरोना से निपटने खास से इंतजाम किए हैं। जेल अधीक्षक गोपाल ताम्रकार ने बताया कि कोरोना काल में केंद्रीय कारागार में बाहर से तकरीबन 250 बंदी आए थे, जिनमें से कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज उन्होंने जेल के अंदर ही रखकर जेल चिकित्सकों द्वारा कराया और उन्हें स्वस्थ कर लिया था। जैसे पहले एक हॉस्पिटल था और उस अस्पताल में पूरे जेल के कैदी अपने उपचार के लिए आते थे। अब हमने 3 सेक्टरों को जेल में बांट दिया कि जो जहां रहता है डॉक्टर वहीं पहुंचेंगे और वहीं उपचार करेंगे। पर्पज ये है कि इकट्ठे ना हो, एक जगह पर ना आए, सबको मास्क लगाना कंपलसरी किया है और हर 3 महीने में एक नया मास्क दे रहे हैं हम इनको, क्योंकि मास्क भी खराब हो जाता है। इनके हाथ धोने के लिए साबुन की अलग से व्यवस्था की है। सबको गर्म पानी और काढ़ा अभी भी चल रहा है। जो नए आते हैं इनको गर्म पानी और काढ़ा अनिवार्य रूप से लेना होता है। जो प्रिकॉशन संभव है वो हम लेते हैं। कोरोना महामारी की आशंका के मद्देनजर जेल प्रशासन ने बंदियों के परिजनों से 10 साल से कम उम्र के बच्चों को मुलाकात के दौरान न लाने की अपील की है। हम जो पहले से प्रिकॉशन ले रहे थे उनको बंद नहीं कर रहे हैं, किसी भी स्थिति में उनको लगातार जारी रख रहे हैं। और हमने अभी मुलाकात चालू की है, उस मुलाकात में परिजनों से आग्रह किया है कि आप 10 साल से कम आयु के बच्चों को लेकर मुलाकात में मत आइए, अगर आप आएंगे तो हम मुलाकात नहीं कराएंगे। पर्पज यही है, क्योंकि छोटे बच्चों पर आशंका व्यक्त की जा रही है तो उनका मूवमेंट जेल परिसर में कम से कम हो। जेल अधीक्षक के अनुसार कारागार में आज भी कोविड नियमों का पालन कराए जाने के साथ साथ जेल में निरुद्ध बंदियों को कोरोना महामारी से बचाने काढ़ा पिलाया जा रहा है।